हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड मीन्स कि जो फूड होता है, खाना होता है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। वीडियो को पूरा देखना और जो आपके बेसिक कंसेप्ट है बेटा, वो क्लियर हो जाएंगे और आपके स्कूलिंग और जो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। गॉट इट बेटा? नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड द लेसन इज व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड। फूड फ्रॉम एनिमल, फूड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, आवर फूड हैबिट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट ईटन बाय ह्यूमन एंड एनिमल, कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फूड। ठीक है बेटा, तो हमको इतना टॉपिक यहाँ पे इसमें देखना है। ठीक है, जो हम वीडियो के थ्रू आगे चलते जाएंगे, मैं आपको वीडियो ऐसे प्रोवाइड करता जाऊँगा। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक के ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। ठीक है, व्हेन वी फील हंग्री वी ईट फूड। ऑब्वियसली जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। Sometimes we eat food for its taste and flavor. कुछ समय हम जैसे समोसा है ना, या फिर पानी पूरी, ठीक है, तो ऐसी जो चटपटी चीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, हम कभी कभी टेस्ट के लिए या फिर उसके फ्लेवर के लिए भी खाते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ। सही बात है बेटा, वी नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये चीज़ बेटा बहुत मेन है। We need food for our growth and development of body. Food is also essential for the both plants and animal. Plant और animal दोनों के लिए use में आता है। I hope you got it. ठीक है बेटा, ये direct आपको objective type question या फिर आपको directly written में काम में आएगा। ठीक है बेटा, science में। The function of food. कि फंक्शन ऑफ फूड क्या होता है, फूड के फंक्शन क्या क्या होते हैं बेटा, मतलब हमको फूड खाने से क्या क्या मिलता है, वो हमें अच्छे से यहाँ पे देखना है। ठीक है, फाइनली तो ग्रोथ, सबसे पहले हमको ग्रोथ होती है हमारी। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ने के लिए। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं, हम खाना खा के बड़े होते हैं ना। फूड, अब फूड में हम क्या क्या खाएंगे हम उसे आगे देखते हैं, है ना। विदाउट फूड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप ग्रोइंग। जो लिविंग जो है, जो हम लोग है, जो हम रहते हैं, हम ग्रो नहीं बेटा कर पाएंगे विदाउट फूड के। द लिविंग सेल्स इन आवर बॉडी मल्टीप्लाई आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, उससे हमको शक्ति मिलती है, जिससे हम ग्रो करते हैं, जिससे हमारा माइंड ग्रो करता है, जिससे हमारा शरीर ग्रो करता है। Insufficient or a wrong type of food does not help healthy growth. अगर हमने एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ खा ली, ठीक है, या फिर जो हमने ख़राब फूड खा लिया, जो इतने दिनों का रखा हुआ फूड खा लिया, तो उससे हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट होगा। क्लियर है बेटा इतना? अब सेकेंड क्या होगा बेटा, रिपेयर। जो फूड हम खाते हैं उससे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो रिपेयर होते हैं। अब रिपेयर बेटा कैसे हो गए, जब हम अगर किसी चीज़ से टकरा जाएंगे या हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा या तो समथिंग कुछ न कुछ जैसे कट लग जाएगा, जैसे वियर और टीयर हो जाएगा, जैसे ये लिखा है बेटा वियर एंड टीयर हो जाएगा, टीयर ऑफ द बॉडी पार्ट, तो हमारा शरीर उसको रिकवर करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तो वहाँ हम फूड खाएंगे। वी नीड फूड्स फॉर ऑल दिस फंक्शन। तो वो जो बॉडी पार्ट बर्न हुआ है या वियर या टीयर हुआ है या डैमेज हुआ है, वो रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, एनर्जी। अब फूड खाने से हमको एनर्जी मिलती है, क्लियर सी बात है बेटा। वी स्पेंड अवर एनर्जी व्हेन वी डू वर्क। जब हम काम करते तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है या खर्च होती है। दैट इज़ वाई आफ्टर डूइंग कंसिडरेबल वर्क वी गेट टायर्ड। तो जब हम कुछ समय काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। वी देन नीड फूड एंड रेस्ट टू रिगेन द लॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट गेट फूड वी वुड बी वीक।
जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए बेटा आपको समय समय पे खाना खाना चाहिए, समय समय पे आपको हेल्थ का ध्यान भी देना है। मतलब आपको आपको सुबह शाम या सुबह या शाम आपको आपको व्यायाम भी ये बेटा करना है, ठीक है। उसके साथ आपको प्रॉपरली आपके हैंड वॉश करना है, ठीक है बेटा। और आपको कोई भी गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़। डिसीज़ मतलब बीमारी से प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर सही रूप से खाना नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे बेटा, क्लियर है इतना। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़ एंड कीप इट हेल्दी। हमें हेल्दी रखना, खुद को हेल्दी रखना है तो हमको खाना खाना पड़ेगा, और डिसीज़ जो बीमारियों से दूर रख हमको भागना है तो हमको खाना प्रॉपरली खाना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट इन आवर फूड। तो उसके लिए हमें हमारे खाने में जो हम दाल रोटी सब्जी चावल या फ्रूट्स ये जो खाते हैं ना, इसमें प्रॉपर इसमें विटामिन्स प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स ये सब चीज़ होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो हमारे जो जो डिसीज़ है उसे लड़ने में हमको हेल्प करती है, ठीक है बेटा। विटामिन्स नाइदर प्रोवाइड एनर्जी और नॉट डू दे रिपेयर और रिप्लेस द वॉर्म ऑफ पार्ट, ठीक है। जो वॉर्म आउट पार्ट होता है, विटामिन्स हमको किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करता, लेकिन वो हमारे प्रॉपर बॉडी हेल्थ के जो एस्पेक्ट से उसको पूरा करता है, ठीक है। विटामिन नाइदर प्रोवाइड एनर्जी, कौन सा जो तत्व है वो ऐसा आता है एलिमेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो विटामिन है। जबकि आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ठीक है फैट ये सब हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो विटामिन होता है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, वो केवल असेंशियल है हमारे प्रॉपर हेल्थ के लिए। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट, ये भी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है। दिस इज़ अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस। हमें बहुत सारे प्रकार के फूड नीचे दे के रखे हैं। सम ऑफ दिस फूड डैट यू कम अक्रॉस डेली आर गिवन बिलो। तो ये जितने भी फूड है बेटा ये आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके रोकना और इसे आगे आप पढ़ लेना। फिर ये आपके लिए बेटा एक होमवर्क रहेगा, एक्टिविटी, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम फूड, जैसे पुलाव, ठीक है बेटा, ये आपका पुलाव हो गया, फिश हो गई, ठीक है ना, पुलाव फिश एक चपाती मिल, ठीक है, फ्रूट शाही पनीर, ठीक है बेटा, आलू पराठा दाल फ्राई, ये सब क्या है बेटा, हमारे फूड हैं, ठीक है। अब ये जो होमवर्क है बेटा ये आपको अच्छे से आपके घर पे करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा कि किससे हमें क्या मिलता है। आर यू अवेयर वेयर डू दिस फूड आइटम कम फ्रॉम। ये फूड आइटम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हम फूड प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं और हम उसे खाते हैं। लाइक जो राइस होता है ना बेटा, राइस, ये देखिए राइस, ये आपको राइस दिखा है। राइस से क्या बनता है बेटा, हम पुलाव भी बना सकते बेटा, ये हमने पुलाव बना दिया, ठीक है। फिर जो हैंस होती है, जो मुर्गी होती है, तो हम वो क्या देती है बेटा, अंडे देती है, एक देती है, तो हम एक की सब्जी बनाते हैं, बराबर है बेटा। तो राइस से पुलाव बनता है और हैंस हमें अंडे देती है, वो अंडे हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि कौन सा प्लांट हमको क्या देता है और कौन से एनिमल से हमको क्या मिलता है, ठीक है। जैसे काऊ, काऊ क्या करती है बेटा, हमें दूध देती है, मिल्क, तो काऊ प्रोड्यूस मिल्क है ना, जो हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है बेटा। इतना बेटा क्लियर हो गया। फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम प्लांट, तो कौन से प्लांट से फूड हमें मिलता है, ठीक है। देखते बेटा हम
मेनी प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स आर ईटन एज फूड। हम बहुत सारे पेड़ पौधे और उनके जो पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, जैसे लीव्स हो गई, ठीक है बेटा, है ना, तो वो हम हमारे खाने के यूज़ में लाते हैं। वी नो डैट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर, एयर। एयर में क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो हम इनहेल करते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जॉस्ट करते हैं हमारे शरीर से, वो प्लांट लेते हैं। तो इसलिए इसने लिखा है बेटा कि यूजिंग सनलाइट, सनलाइट मतलब जो सूर्य की रोशनी, वाटर, पानी और एयर, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो हरी पत्तियां होती है, ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है बेटा, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल, ये जो लिखा है ना बेटा, क्लोरोफिल इज़ ए ग्रीन पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के पत्तियों में होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते बेटा, ग्रीन प्लांट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। जो ग्रीन पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो सबसे प्राथमिक रूप होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। वी गेट, ये आपका प्रोड्यूसर, वी गेट आवर फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से हमारा फूड बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। क्लोरोफिल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल क्रिटिकल इन द फोटोसिंथेसिस विच अलाउ प्लांट टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सन। तो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बेटा, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है बेटा। प्लांट्स रूट यूज एज फूड। अब जो प्लांट्स के रूट है वो कैसे फूड के लिए फंक्शनिंग का काम करते हैं, ठीक है बेटा, देखिए बेटा, रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक अप वाटर एंड फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। वो जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, प्लांट्स रूट, ठीक है। दिस फूड इज स्टोर इन सम रूट्स। वो सम रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। दिस रूट्स आर सर्व अ सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम अस। जैसे वो हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड का काम कर लेते हैं, जिसमें कैरट, टर्निप, रेडिश, है ना, बीटरूट आर सम एग्जाम्पल ऑफ रूट्स देट आर ईटन बाय अस। क्लियर है बेटा इतना। अब देखिए यहाँ, जैसे ये हो गए बेटा आपके पास में कैरेट हो गया, टर्नशिप हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है, ये सब आपको आपके घर में देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, प्लांट स्टेम यूज एज फूड। अब प्लांट स्टेम जो तना होता है, अभी तो हमने जड़ की बात की थी, अभी हम तने की बात करेंगे, तना मतलब स्टेम की बात करेंगे, जो खड़ा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर फूल लगता है, जिस पे फल लगता है, बराबर, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। स्टेम ऑफ अ प्लांट इज द लिंक बिटवीन द रूट एंड लीव्स। पत्ती और जड़ के बीच वाला भाग होता है स्टेम, एंड फ्लावर्स मतलब फ्लावर के बीच में, ठीक है। ईट ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। वो ट्रांसफ़र क्या करता है बेटा, रूट से लीव्स में जो पार्ट होता है, ठीक है, बीच का, वो वाटर को ट्रांसफ़र करता है लीव्स टू द लीव्स, ठीक है। फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट में वो, है ना, ट्रांसफ़र करता है जिससे वो खाना बना सके,
ठीक है, मतलब वो अपना खाने का प्रोडक्शन कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट आल्सो ट्रांसफर फूड मेड इन द लीव्स, जो फूड पत्तियों में बन जाता है बाय द फोटोसिंथेसिस टू द रूट, वो जमीन में जड़ के लिए देते हैं ताकि जड़ क्या करती है, ग्रो करती है फिर नीचे के नीचे। सम स्टेम स्टोर फूड मटेरियल एंड टेक डिफरेंट शेप। ठीक है, अब वो किसी किसी जो पेड़ होता है उसका शेप अलग होता है, तो कोई का शेप अलग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के पेड़ हो सकते हैं, है ना, और होते भी हैं। दे आर नेम्ड अस ओनियन बल्ब गिंजर राइजोम्स पोटैटो ट्यूबर एक्सेट्रा, दिस स्टेम आर यूज एज सोर्स ऑफ फूड, तो हमारे खाने के यूज में आता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपको ये यहाँ से उसका पिक्चर बेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये ओनियन हो गया, ये गिंजर हो गया राइजोम, और ये पोटैटो ट्यूबर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये यूज़ एज ए हमको कैसे कैसे करना का ये बेटा खाना पड़ेगा, प्लांट के स्टेम के रूप में हम इसको खाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स लीव्स यूज एज फूड, जो पत्तियाँ होती है वो हम कैसे कैसे खाएंगे बेटा पत्तियों का, तो आपने बेटा सुना होगा कि कड़ी पत्ता, जो कड़ी बनती है घर में, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, कड़ी पत्ता। जैसे चाय पत्ती, तो जो चाय होती है उसमें जो पेड़ की पत्तियाँ होती है उसी से वो बनती है बेटा। ठीक है बेटा, जैसे पत्ता गोभी है ना, एक फूल गोभी अलग होती है और एक पत्ता गोभी अलग होती है, तो वो लीव्स है उसके जो हम सब्जी बना के खाते हैं, जो हम वेजिटेबल के रूप में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, लीव्स सिंथेसाइज फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपीरेशन आई लॉस ऑफ वाटर, मतलब एग्जांपल लॉस ऑफ वाटर एंड हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ गैस फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, जैसे लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वो वाटर को खोते हैं, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे अभी अभी बेटा कहाँ था मैंने कि वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अ फ्यू लीव्स आर कंज्यूम बाय अस, तो कुछ इसमें से लीव्स है वो हमारे द्वारा कंज्यूम की जाती है, सब नहीं। ठीक है, सम ऑफ देम आर स्पंज टी है ना कैबेज एक्सेट्रा। ठीक है, दीज लीव्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। क्लियर है बेटा, प्लांट फ्लावर्स यूज एज फूड, जो प्लांट फ्लावर्स होते हैं है ना, फ्लावर्स होते हैं, वो हम यूज़ में कैसे लाते हैं बेटा खाने के। ठीक है, उसे हम देखते हैं। फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेटा। जैसे कि एक हमने फूल को तोड़ दिया तो वापस से उसी जगह पे दूसरा भी फूल बेटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम फ्लोरल बर्ड, मतलब क्या होगा बेटा, जो गोल गोल होते हैं ना डंठल है ना, फिर उसमें से फूल निकलता है। ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं फ्लोरल बर्ड है ना। काउलीफ्लावर ब्रोकली एंड एंटीचोर आर द एडिबल फ्लोरा बर्ड ऑफ ए प्लांट, ये सब खाने के योग्य है। अब बेटा देखो, हम इसका डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। ये देखो काउलीफ्लावर मतलब क्या होता है, ये फूल गोभी हो गई है ना, और इसके पहले क्या था, पत्ता गोभी थी। ठीक है बेटा, ये आपका ब्रोकली की सब्जी हो गई, ये एंटीचोक हो गया। ठीक है बेटा, ये आर्टीचोक बोलते बेटा इसे। ठीक है, अब देखो, इट्स ऑलरेडी नोन यू डैट वी आल्सो गेट स्पेसिस फ्रॉम फ्लावर्स, द क्लॉ एंड सेफ्रॉन आर रिसीव फ्रॉम फ्लावर ऑफ सिंजाइम्स एंड क्रोकस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा अब देखो इसमें, फ्रूट ऑफ प्लांट्स यूज एज फूड, अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है, अब जो फ्रूट होते हैं वो हम फ्रूट है ना जो खाते हैं वो हम डायरेक्टली खाते हैं बेटा इसमें,
ठीक है, तो हमको इसको बनाना नहीं पड़ता है। तो फूड एज प्लांट यूज अस फूड, जो फ्रूट होते हैं ये आपके फ्रूट हो गए, फ्रूट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आवर फूड, है ना, फ्रूट्स है ना। फ्रूट्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच इट सीड और सीड आर कलेक्टेड, जो इसमें बीजें होती है और बीजों को कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर्स डेट हेल्प्स रीप्रोडक्ट, मोस्ट फ्रूट आर इटन रॉ, मैक्सिमम जो फ्रूट है हम वो ऐसे ही खा लेते हैं। जैसे हमने केला लाया तो हमने उसको डायरेक्ट खा लिया, उसको हम ये बेटा बनाते हैं क्या, नहीं। जैसे हमने वाटरमेलन लाया तो वो भी बेटा हम डायरेक्टली है ना हम खा लेते हैं उसको, ठीक है, उसकी कोई सब्जी बनती है क्या, नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मोस्ट ऑफ दी फ्रूट्स आर ईटन रॉ, ठीक है। एप्पल मैंगो ऑरेंज पियर ग्रेप्स चेरीज एक्सेट्रा आर फ्रूट, द फ्रूट सच एज एप्पल्स ऑरेंज चेरी पपाया एक्सेट्रा आर फ्रेशली फूड, ठीक है। अ फ्यू प्लांट बियर ड्राई फ्रूट्स लाइक कॉर्न पाई, ठीक है, ग्राउंडनट, ये पीस होता है, पीस का मतलब क्या था, मटर का जो दाना होता है ना पीस, है ना, कॉर्न्स मतलब जो मक्का होता है वो होता है ना, ग्राउंडनट मतलब क्या होता है बेटा, छोले होते हैं, ठीक है, थीके? ये देखिए, मेनी फ्रूट्स आर यूज एज अ वेजिटेबल लाइक ग्रिंजर टोमेटो एंड कुकुम्बर, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट्स हो गए बेटा, ठीक है, इतना इतना क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, अब इसमें सीड्स, अब जो सीड्स होते हैं ना, जो बीजें होती है वो हमारे खाने के यूज में बेटा कैसी आएगी, देखो जरा बीजें, ये सीड्स यूज अस फूड, ठीक है। तो देखो, अ सीड कैरीज अ बेबी प्लांट, जो सीड होता है वो छोटे से प्लांट को कैरी करता है इन इट, है ना, उसके अंदर, एंड फूड फॉर द न्यू प्लांट, वो धीरे से बड़ा प्लांट बन जाता है। दीज आर द आउटकम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें बनती रहती है। दे डेवलप इंटू न्यू प्लांट, मिर्च पीस वीट मस्टर्ड एंड बीन्स आर द सीड्स, दीज सीड्स आर ईटन बाय अस, ठीक है। मिर्च ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये भुट्टा जो बोलते हैं बेटा आप, मक्का बोलते हैं, पीस मतलब क्या मटर हो गया, वीट मतलब क्या हो गया बेटा, ये गेहूँ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सीड है, ठीक है, ये इसे हम डायरेक्टली बना के खाते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा इतना। फूड फ्रॉम एनिमल, तो एनिमल से हमको क्या क्या फूड मिलते हैं, ये एनिमल, ठीक है बेटा। दीज आर सर्वर एनिमल्स, है ना, सेवरल एनिमल्स विच प्रोवाइड अस फूड प्रोडक्ट लाइक मिल्क हनी एग मीट ईटन बाय ह्यूमन बींग, हमारे द्वारा खाया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम बेटा, इसमें जैसे क्या हो गया बेटा, मीट मतलब क्या, चिकन, है ना, चिकन और मीट हो गया, ठीक है। मीट ऑफ एनिमल लाइक चिकन गॉट फिश, है ना, मुर्गी बकरी और आपके हैंस हो गए, ये सब चीज जितने भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन बींग द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उनका फूड बन जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर मीट का देखा, उसके बाद जो हैंस होती है तो हैंस से क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वाला बेटा देखो, हनी बेटा, ये जो आपका हनी बीस होती है ना, हनी बीस, ठीक है, हनी कम फॉर्म हनी बीस, जो मधुमक्खियाँ होती है उससे हनी बनता है, ठीक है। वो स्वीट्स जो लिक्विड होता है उसको वो कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके उसका जो छत्ता होता है जो उसमें वो बनाती है, और हनी यूज़ एज ए मेडिसिन, वो मेडिसिन के भी यूज़ में आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। इट इज़ द फूड विच इज़ रिच इन शुगर, ठीक है, ये एक शुगर के यूज़ में हम इसको लेते हैं, ठीक है, एक शक्कर मिठास के रूप में हम इसको लेते हैं। मिल्क हमको बेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, मिल्क
बताइए मिल्क हमको यहाँ से कहाँ कहाँ से मिल्क मिलेगा बेटा? ठीक, मिल्क कम फ्रॉम एनिमल सच एज काउ बफेलो एंड गॉट। मिल्क इज डायरेक्टली कंज्यूम एज फूड। ठीक है बेटा, तो मिल्क हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा और मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक कर्ड, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम एंड कुल्फी फ्रॉम मिल्क। ठीक है बेटा, दिस प्रोड्यूस आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क इज कंसिडर्ड एज ए कम्प्लीट डाइट, है ना, इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो क्या हमें क्या बेटा मिलेगा इससे? कैल्शियम की जो हमारी शरीर में कमी होती है वो मिल्क के थ्रू क्या ये हो जाएगी बेटा? मिल्क के थ्रू हो जाएगी पूरी, है ना। वो जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, विच हेल्प इन द बिल्डिंग बोन। देखो है ना, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है एंड हेल्थ। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है बेटा? तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा बेटा। इसके बाद जो लेक्चर का आएगा वीडियो, उसको भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स तक के इसको सर्कुलेट करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, जय हिंद बेटा।